दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी चल रही है और इस महामारी के दौरान बहुत से लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, छोटे छोटे बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है। तो इसी बीच में राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक घोषणा की है कि जो भी कोरोना महामारी के दौरान व्यक्ति मारे गए हैं तो उनके परिवार में यदि कोई छोटा बच्चा है जैसे 0 से 18 साल का, तो उनका पालनहार योजना में नाम जोड़ा जाएगा। उनके लिए उन्होंने एक लेटर निकाला है, हम उस लेटर के माध्यम से कंप्लीट जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो यह लेटर निकला हुआ है 21/5/2021 को राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, विषय हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसमें विषय लिखा हुआ है कि राज्य में COVID-19 महामारी से मृत्यु हो चुके व्यक्तियों या परिवारों के 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ने बाबत है। यानी दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कि इस कोविड महामारी के कारण मारे गए हैं और उनके परिवार में यदि 0 से 18 आयु के कोई भी बच्चे हैं तो उनका पालनहार योजना में नाम जोड़ा जाएगा। आगे हम इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि COVID-19 महामारी के कारण राज्य में लगभग 7,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से कुछ बच्चों ने अपने माता पिता दोनों अथवा माता या पिता को खो दिया है। यानी इसमें या तो माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है या माता या पिता दोनों में से एक की मृत्यु हुई है। तो ऐसे 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को निर्धारित श्रेणी में पालनहार योजना से लाभान्वित किया जा सकता है। यानी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता इस कोविड महामारी के कारण मारे गए हैं, उनमें से माता पिता हो या दोनों में से कोई एक हो, तो ऐसे परिवार जिनके बच्चे 0 से 18 आयु के हैं तो उनका पालनहार योजना में नाम जोड़ा जा सकता है। आगे लिखा हुआ है इसमें कि अतः कोविड महामारी से मृत्यु हो चुके ऐसे व्यक्ति या परिवारों के बच्चों का चिन्हीकरण कार्य 15 दिवस में आवेदन भरवाना एवं 30 दिवस में नियमानुसार स्वीकृति जारी कर भुगतान करवाएं। यानी कि 15 दिनों के अंदर उनका आवेदन फॉर्म है वो भर जाना चाहिए और 30 दिन के अंदर उन्हें जो स्वीकृति मिल जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपके नज़दीक भी कोई ऐसा बच्चा हो जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो आप उनका पालनहार योजना में नाम जोड़ सकते हैं, उनका पालनहार योजना में फॉर्म भर सकते हैं, उनको 30 दिन के अंदर ही जो स्वीकृति है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी मेरे पास में जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन है जो टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।